Hey, what's up guys, this is Abhishek. आज की स्ट्रीम बात करेंगे Vivo T2 5G के बारे में जो कि कल हो रहा है इंडिया में लॉन्च. यहाँ पे ऑफिशियली क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस पॉइंट पे T2 5G स्पेसिफिकली आएगा इंडिया में, आज की स्ट्रीम यही बात करेंगे. तो वीडियो के अंदर वीडियो को लाइक जरूर कर देना. जैसे बताया आज के स्ट्रीम स्पेसिफिकली बात करेंगे Vivo T2 5G के बारे में जो कि इंडिया में हो रहा है लॉन्च. एक बोल सकते फ्रेंड्स 5G स्मार्टफोन है जो कि अंडर 15 या फिर मतलब 15 से 20,000 रुपीज़ के बीच में यहाँ पे लॉन्च करने वाला है फ्रेंड्स. यहाँ पे अंडर 15 जो आएगा फ्रेंड्स वो Vivo का T2 X5G जो कि थोड़ा सा फ्रेंड्स डाउन वेरिएंट में यहाँ पे देख सकते हैं. बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जाए T2 5G की यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 6.34 इंचेस का एक फुल HD वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल यहाँ पे एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज़ के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ आएगा. तो डिस्प्ले देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पे. मतलब सही है, एक ओवरऑल डिसेंट है, बट ये कह सकते हैं वाटर ड्रॉप नॉच स्टाइल फ्रेंड्स अगर आप 15 से 20,000 रुपये दे रहे तो आप वो नहीं फ्रेंड्स जस्टिफाई करता, बिकॉज पंच होल दे दो या फिर सेंटर पंच होल, साइड पंच होल, पंच होल ही रहना चाहिए. वाटर ड्रॉप जस्टिफाई नहीं करता है 15 से 20,000 रुपए स्मार्ट वाले स्मार्टफोन को यहाँ पे. तो बट यहाँ पे एक साथ AMOLED स्क्रीन है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, 90 हर्ट्ज़ का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है. बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 695 का 5G वाला प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड है यहाँ पे. तो जो डे टू डे लाइफ का परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से कर देगा. साथ में क्लब किया गया 6GB रैम 8GB रैम के साथ और 128GB का स्टोरेज आउट ऑफ बॉक्स आप लोग को देखने को मिलेगा. एंड्रॉइड 13 फ्रंट टच का आप लोगों को OS देखने को मिलेगा इसके अंदर यहाँ पे. तो देख लगता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पे. वहीं बात कीजिए इसके कैमरास की, तो बैक कैमरा आप लोगों को डुअल कैमरा ही देखने को मिलेगा. 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर या फिर माइक्रो सेंसर कह सकते हैं यहाँ पे. और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का जो वाटर ड्रॉप नॉच वाला मिलता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है. तो ऑन पेपर जो कैमरा है फ्रेंड्स वो बैक कैमरा ठीक है यहाँ पे. अब डे टू डे लाइफ मतलब रियल टाइम यूसेज, रियल टाइम उसका आउटपुट कैसा मिलता है वो तो जब आएगा तब पता चल ही जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स. बाकी बात की जाए इसके बैटरी की, तो 4500 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा विद 44 वाट के फास्ट चार्जिंग एडाप्टर के साथ यहाँ पे. तो देख सकते हैं कि मतलब फ़ोन सही है बैटरी बैकअप भी और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी है फ्रेंड्स. अब देखो ओवरऑल समअप किया जाए फ़ोन के Vivo T2 5G को, यहाँ पे डिस्प्ले ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे सही कह सकते हैं, कैमरा भी सही, मतलब हर चीज़ है ना उन लोगों ने डिसेंट लगाया ना, कोई ऐसा भी कोई हर चीज़ में से कोई ऐसा भी नहीं कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई ख़राब है. मतलब एक बैलेंस आउट एक एवरेज तरीके से रखा गया कि हर चीज़ मतलब प्रपोर्शन में ही रखा गया, कोई भी चीज़ को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई भी चीज़ को एकदम नीचे नहीं रखा गया. बट कुछ ना कुछ फ्रेंड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी देना चाहता था कि वो फ्रेंड्स इसका सेलिंग पॉइंट लगा के यहाँ पे बेच सके, बट फिलहाल सही देखने को मिलता है. बाकी बात आती है कि क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में हो रहा है लॉन्च Vivo T2 5G. तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो फ्रेंड्स 15999 के लॉन्च ऑफर में मिलेगा. बाकी जो फ़ोन का एक्चुअल प्राइसिंग रहेगा वो 17,000 रुपये से स्टार्टिंग होगा यहाँ पे. बट वही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स लॉन्च ऑफर में कुछ कार्ड वार्ड लगा के आप लोगों को 16,000 रुपये तक देखने को मिलेगा, वरना 17,000 रुपये एक्चुअली इसका प्राइसिंग होने वाला है यहाँ पे Vivo T2 5G का. तो यही फ्रेंड्स पूरा का पूरा फीचर स्पेसिफिकेशन क्या किस तरीके से आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे Vivo का T2 5G यहाँ पे. बाकी आप बताओ कॉमेंट सेक्शन में क्या आप एक्साइटेड है Vivo के नए T सीरीज के स्मार्टफोन के लिए कॉमेंट सेक्शन में. और वीडियो पसंद वीडियो को तो लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब. जय हिंद, पीस आउट.